बहराइच में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ द्वारा अपने मांगों को लेकर हड़ताल 18वें दिन भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि जब लेखपाल संघ के लोग बहराइच कलेक्ट्रेट परिसर स्थित धरना स्थल पर पहुंचे तो वहां पर ताला लगा मिला, साथ ही वहां पर लगा टेंट भी प्रशासन ने उखाड़ दिया। लेकिन इसके बाद भी लेखपालों के धरने पर कोई फर्क नहीं पड़ा और सैकड़ों लेखपाल डीएम ऑफिस के सामने ही सड़क के किनारे बैठ गए। आपको बता दें कि हड़ताल को लेकर जिले के 22 लेखपालों को अब तक बर्खास्त किया जा चुका है। असल में हम लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, 18 दिन से धरना चल रहा था। सुबह जब हम लोग आए तो धरना स्थल पे ताला देखा, हमारा टेंट भी गया था, टेंट भी उठा लिया गया। हम लोगों ने प्रशासन से निवेदन किया कि हम लोग शांतिपूर्वक धरना करेंगे, कोई अशांति पैदा नहीं होगी, लेकिन उनके द्वारा ताला नहीं खोला गया तो हम लोग धरना स्थल के गेट पर ही धरना शुरू कर दिए और ये धरना हमारा चलता रहेगा। अगर खोलेंगे धरना स्थल का गेट ताला तो ठीक है, नहीं खोलेंगे तो हम लोग इसी जगह से धरना देंगे। अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग लगातार 18 दिन से धरना दे रहे हैं। 17 आज 18वें दिन जो हम लोग सुबह पहुंचे तो प्रशासन के द्वारा ताला लगा करके हमारा टेंट उखड़वा लिया गया। हम लोगों ने प्रशासन से निवेदन किया कि हम लोग शांतिपूर्वक अपना धरना चलाएंगे, किसी भी प्रकार की अशांति नहीं होगी। किंतु प्रशासन किसी भी तरीके से जब नहीं माना तो हम लोगों ने बाध्य होकर के धरना स्थल के बाहर ही अपना धरना प्रारंभ कर दिया और ये सुबह से लेकर के शाम तक 4 बजे तक चलेगा और कल पुनः हम लोग 10 बजे आएंगे और पुनः प्रशासन से निवेदन करेंगे कि धरना स्थल खोल दीजिए, हम लोगों को धरना देना है। और अगर कल भी नहीं खोलते हैं तो हम लोग का निश्चित तौर पर यह धरना लगातार चलता रहे।